हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डिस्कशन करेंगे कि एवरेडे जो एलईडी बल्ब होता है अच्छा होता है या सिस्का एलईडी अच्छा होता है। ठीक है, हम कैसे एक जो हमारा जो कमरा है करीब 15 बाई 15 है, 15 फुट बाई 15 फुट। ठीक है, ऐसे ही मेरा जो लार्ज डाइनिंग हॉल है, लेकिन जिसको मैं सभी एलईडी बल्ब को चूज किया, लेकिन किसी भी एलईडी बल्ब ने मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला, जो पता चला मैं उसके बारे में हम सब आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए, एलईडी बल्ब बाय करने से पहले प्लीज आप चेक कर लीजिए 900 लूमेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए 900 लुमेंस एवं स्टार मार्क दिया गया है। यहाँ पर देखिए 900 लूमेंस और यहाँ पर भी लूमेंस 900 दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, लूमेंस 900 एंड स्टार मार्क दिया गया है, क्योंकि लूमेंस 900 से ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस एलईडी बल्ब आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 6/2018 का यहाँ पर मैनुफेक्चरिंग डेट है, लेकिन प्राइस है 149, वो सबसे बड़ी बात। किसी भी प्रोडक्ट पर आप वारंटी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वारंटी नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, जिसका मतलब आप वारंटी इस बल्ब पर नहीं मिलेगा। और सेम प्रोडक्ट देखिए, सिस्का एलईडी कहीं पर भी देखिए वारंटी लिखा हुआ नहीं है। मुझे पता चला कि थोड़ा सा इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाकर आया हूँ। और कहाँ ये सबसे अच्छा कौन है, ये कैसे आपसे मुझे पता चला। ठीक है, यहाँ पर देखिए कूल डे लाइट है ना, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कूल डे लाइट आपको नहीं मिलेगा। और B22D, इसका मतलब कि आपका जो तो पिन होता है, बल्ब होता है, वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ होता है कि थोड़ा सा, इसलिए सभी जो बल्ब है वो फिट हो जाता है सभी होल्डर पर। ठीक है, और इसके जो बड़ी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस एलईडी बल्ब 9W 6500K। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, 6500K। अगर ये ज़्यादा होगा तो आपके बल्ब की लाइफ सबसे अच्छी होगी। ठीक है, और 900 लूमेंस मतलब कहीं पर भी 900 LU लिखा हुआ होता है। ठीक है, और इसको आप चूज करेंगे, आपकी ब्राइटनेस कितना होगा वही बड़ी बात है। अगर आपके एक रूम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, तो आपको 900 लूमेंस और 900, 950 लूमेंस, 100 लूमें सॉरी 1000 लूमेंस, उसको ही चूज करना होगा। ऐसा ही एलईडी बल्ब जो जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा वही बल्ब आप परचेज करके लाइए और घर पे लगाइए, टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है ज़्यादा होगा, जितना लूमेंस ज़्यादा उतना ब्राइट लाइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मैक्स ग्लो 9 वाट का अप टू 15,000 बर्निंग आवर्स, लेकिन यहाँ पर घोपला है, कैसे हम जानेंगे।
थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इंडिकेटिव मैनर्स बी कंपेरेबल एट 2.7 आवर्स पर डे। ठीक है, यहाँ पर भी घपला हो गया। देखिए, अगर आप 2.7 आवर्स की रेट पर आप पर डे इसको बर्निंग करेंगे, उसके बाद ही आपका जो 15,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 15,000 आवर्स, 15 ईयर्स लाइफ, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो जल जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है। देखिए, लैंप इज रिकमेंडेड फॉर 10 to 12 आवर्स यूसेज पर डे। स्विच अप ए लैंप इन 24 आवर्स विल बी बेटर लाइफ साइकिल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अप टू 90% एनर्जी सेविंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, एवरेज पर 50% मोर एफिशिएंट सेविंग देन 18 वाट CFL। ये 50% एनर्जी सेविंग करता है और ये 90% सेविंग करता है। अभी भी अगर आप परचेज करेंगे नया LED, आपको स्टार मार्क मिलेगा, जितना अच्छी स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार, वो इतना एफिशिएंट होगा आपके घर के लिए। बिजली भी कम आएगा और प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है, इस LED को मुझे 90 रुपीज़ में मिला था, इसको मुझे 80 रुपीज़ में। ठीक है, लेकिन 10 रुपये में फ़र्क में इससे अच्छा ग्लो नहीं मिलेगा, लेकिन बर्निंग आवर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें कम है, और एनर्जी एफिशिएंसी ये ज़्यादा है और एनर्जी एफिशिएंसी ये कम है। ये लोकल ब्रांड है, लेकिन ये सिस्का LED जापान ब्रांड है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, माय चैनल, एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल इफ़ यू लाइक। देन थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।